उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का एक विभाग है खाद्य विभाग, जो सैंपलिंग का काम करके मिलावट की सैंपलिंग में ये अभियान चलाता है, उनके खिलाफ यहाँ हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। और दोनों उच्च अधिकारियों से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारी शिकायती पद पर जांच के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। अभी जसवंत नगर में 22 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कमालुद्दीन और मोहर सिंह अपने साथियों के साथ जसवंत नगर कस्बे में एक किराने की दुकान, जो अभी 3 या 4 महीने हुए लगभग खुले हुए, तीसरी बार सैंपलिंग करने पहुंच गए। पूर्व में 2 बार गए, व्यापारी को डराया धमकाया और 5,000 रुपए लेके लौट आए। अभी 22 तारीख को फिर ये पहुंचे तो व्यापारी ने कहा, अनिल गुप्ता है, उसने कहा कि भाई इतनी जल्दी जल्दी आप अगर आओगे तो हम कैसे व्यापार कर पाएंगे, हम कोई मिलावट का काम थोड़ी करते हैं। इस पर उन्होंने धौंस दी और सैंपलिंग भर के बोले कि आप जो है दफ्तर आ जाना। इतने में हमारे व्यापारी ने जसवंत नगर के अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जी को फोन किया, वो तत्काल उस पीड़ित दुकानदार के यहाँ पहुंचे, खाद्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता करना कोई गुनाह नहीं है, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कस्बों में इकाइयाँ हैं, उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई पीड़ित व्यापारी अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो वहाँ पहुँच के उसको राहत प्रदान की जाए। उसी के तहत हमारे अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जब वहाँ पहुँचे, खाद्य विभाग के अधिकारियों से लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता की और विरोध किया इस बात का कि ये तो गलत बात है कि आप 3 महीने में 3 बार आ रहे हैं, ये ऐसी क्या बात है। शासन के निर्देश से 15 तारीख से 24 तारीख के बीच में जो है पूरे प्रदेश में नवरात्रि और दशहरा के उपलक्ष्य में आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में इटावा जनपद में भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था, छापामार अभियान। और इसके क्रम में टीम 23 तारीख को जसवंत नगर क्षेत्र में थी, वहाँ पर नमूना भरने के बाद कुछ व्यापारी आक्रोशित हुए, उन्होंने जो है टीम के साथ जो है अभद्रता की और नमूने को उन्होंने फाड़ दिया, जिसके वजह से जो है FIR दर्ज कराई गई थी। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि उन पर कुछ पैसे लेने का भी दवा बनाया जा रहा था, इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आने पर मैं उचित कार्रवाई करूँगा।